अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक और नई वीडियो के साथ अभी मैं हाज़िर हूं। इससे पहले आप लोगों ने मेरी जो रीसेंट वीडियो थी कार व्यूज़ की, उसके ऊपर आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, फीडबैक दिया था। और इसी तरह आगे भी मुझे आप सपोर्ट करते रहिए और अपनी जो ओपिनियन है, सजेशन है, उसको कमेंट सेक्शन में आप लाजमी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मज़ीद इम्प्रूव और अच्छी हो, बेहतर से बेहतर हो सके। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन लाजमी आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप उसकी अपडेट मिल सके। सो इसी के साथ ही आज हम जो आज की वीडियो मैं कर रहा हूँ, ये भी एक कार रिव्यू की वीडियो है और मेरे साइड पे आप देख सकते हैं ये सुजुकी कल्टस है, VXL 2021 मॉडल है, सिल्वर कलर में ही गाड़ी है। और 2017 के अंदर जो है सुजुकी कल्टस की थर्ड जनरेशन अप्रैल के अंदर ही लॉन्च हुई थी। उस टाइम पर इसके दो बेसिक वेरिएंट थे, एक VXR और एक VXL जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में था। बाकी 2017 के बिल्कुल लास्ट के अंदर, एंड के अंदर, इसके अंदर एक AGS वेरिएंट भी लॉन्च हुआ था VXL के अंदर। अभी जिस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं ये 2021 में VXL का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ये वो वाला वेरिएंट है। और सबसे पहले अगर हम इसके वॉक अराउंड कर लें तो आपको इसके फ्रंट वाली साइड पे हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम में ही इसकी ग्रिल मिलती है। क्रोम के अंदर जो है आपको सुजुकी का एम्बलम मिलता है। उसके अलावा बोनेट जो है उसकी अगर आप देखें, वेक्टर लाइंस वगैरह काफ़ी खूबसूरत इसको लुक देती हैं। बाकी इसकी हेडलाइट्स पे आ जाएँ तो क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं और हेलोजन के साथ हैं। बाकी इसके बम्पर पर आ जाएँ तो यहाँ आपको ब्लैक के अंदर जो है बम्पर की ग्रिल मिलती है। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि जो इसका VXR है उसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलते। इसके बाद अगर हम इसके साइड प्रोफाइल में आएँ तो साइड प्रोफाइल में अगर आप इसके फेंडर देखें फ्रंट का, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप इसके साइड व्यू मिरर्स पे आ जाते हैं तो ये आपको इसके बॉडी कलर में मिलते हैं। और बॉडी इसका जो VXR है उसके अंदर आपको ब्लैक में मिलते हैं इसके साइड व्यू मिरर्स हैं। और ये बेसिकली जो है आपके एडजस्टेबल मिरर्स हैं लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है, इसको आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं इसके साइड मिरर्स को। बाकी इसके साइड प्रोफाइल पर देखें तो फ्रंट जो है फेंडर से लेके अगर आप देखें पीछे रेयर जो इसकी लाइट्स हैं पूरी एक प्रॉपर आपको वेक्टर लाइन नज़र आती है कर्वी, और ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा एक कर्वी लुक देती है ऊपर भी और नीचे वाली साइड पे भी। और बाकी जो है इसके आपको ये डोर स्ट्रीमर्स नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली आफ्टर मार्केट है, इसमें आपको साथ नहीं मिलते। इसके अलावा यहाँ पर आपको एयर प्रेस हैं, ये आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं, इसके साथ एयर प्रेस नहीं आती, ये भी आफ्टर मार्केट इसको लगे हुए हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अगर हम रिम देखें तो इसको आपको अलॉय रिम्स मिलते हैं इस गाड़ी के साथ, और ये 14 इंचेस में आपको इसके रिम मिलते हैं। उसके अलावा इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी आपको बॉडी कलर के अंदर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इसके बैक पे आ जाएं तो बैक के ऊपर आपको सबसे पहले जो इसकी रेड लाइट्स मिलती है, क्रिस्टल में लाइट्स हैं इसकी सारी। और उसके अलावा यहाँ पर आपको सुजुकी का एम्बलम मिल रहा है, यहाँ बैजिंग मिल रही है कल्टस की, और बाकी यहाँ पर आपको इसके बूट स्पेस का जो बूट का हैंडल है ये आपको बॉडी कलर में मिलता है। उसके अलावा अगर हम इसके टॉप पे आएँ तो यहाँ पे आपको इसके बिल्कुल टॉप माउंटेड ब्रेक लाइट जो है यहाँ पे मिलती है, ये भी इसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक देती है। फर्दर इसके अगर हम रूफ़ पे आएँ तो ये रूफ़ जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आपको लाइनिंग सी नज़र आ रही होगी, बम्पी रूफ़ मिलती है। और इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये जो बेसिकली जो आपकी SUV टाइप्स जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपको इस तरह की रूफ़ मिलती है, बम्पी टाइप। इसके अलावा रूफ़ पर अगर आप इसका एंटीना देखें तो ये थोड़ा सा आपको कह लें कि इसकी थोड़ी सी ओल्ड लुक देता है, क्योंकि नॉर्मली जो गाड़ी होती है या तो उसके बिल्कुल बैक के ऊपर सेंटर में एंटीना होता है या साइड पे होता है, लेकिन इसके बिल्कुल यहाँ फ्रंट के ऊपर मिड के अंदर एक काफ़ी बड़ा इन्होंने एक एंटीना दिया है, तो ये थोड़ा सा इसको एक और लुक देता है। बाकी ओवरऑल ये गाड़ी की जो है सारी लुक है बाहर से। अब हम इसका जो है इसको अंदर से व्यू करते हैं।
इस गाड़ी के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले अगर आप देखें इसका डैशबोर्ड और ओवरऑल जो है इस गाड़ी की फील है सारी, इस गाड़ी टोटली बिल्ड अप ऑफ प्लास्टिक और लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पे सारा इसका प्लास्टिक मिलता है। इसका चाहे आप डैशबोर्ड देखें और डैशबोर्ड जो है इसका ये आपको डुअल टोन में मिलता है, डुअल टोन कलर है। यहाँ पे आपको सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे दी जा रही है। एसी वेंट्स अगर आप देखें इसके भी आपको सिल्वर लाइनिंग मिल रही है यहाँ पे। और उसके अलावा इसके एसी वेंट्स के नीचे आपके पास यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम का मिल जाता है और इसके ये बेसिकली टच में आपको मिलता है। इससे पहले जो इनिशियल मॉडल्स आ रहे थे उसके अंदर क्लैरियन का हेड यूनिट आपको मिलता था जो कि बिल्कुल एक सिंपल था। उसके अलावा इसके अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको इसके एनालॉग जो एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और उसके यहाँ इसके नीचे जो है इधर आपको थोड़ी सी स्पेस इसकी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा ये आपका जो इसका गियर लीवर है और ये बेसिकली 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको गाड़ी मिलती है। उसके अलावा इसे नीचे हैं तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इसकी एक हैंड ब्रेक है ट्रेडिशनल बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे भी एक कप होल्डर है लेकिन इसके अंदर आपको आर्म रेस्ट की जो ऑप्शन है वो नहीं मिलती। और फर्दर उसके अलावा अगर हम इसका स्टेयरिंग व्हील देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है इसकी लुक देता है। यहाँ पे सुजुकी का आपको यहाँ पे जो है एनलो इसका लोगो मिल जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसके जो है मीटर के ऊपर आएँ तो इसके अंदर आपको सबसे मेन सेंटर के अंदर इसका स्पीडोमीटर मिल रहा है और उसके साइड पर बिल्कुल छोटा सा जो है इसका आपको जो है आरपीएम मीटर मिल जाता है। और उसके स्पीडोमीटर के राइट साइड के ऊपर जो है आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है जिसके अंदर आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं जिसमें फ्यूल एवरेज वगैरह इसकी और गियर इंडिकेशन मिल जाती है कौन से गियर पे गाड़ी है और कौन सा गियर शिफ्ट हो रहा है। तो ये डिटेल सारी आपको इसके जो है मीटर के अंदर मिल जाती हैं। उसके अलावा इसकी इस गाड़ी के अंदर जो है 2 एयरबैग्स आते हैं, एक आपका जो है यहाँ स्टेयरिंग व्हील पे होता है और सेकेंड एयरबैग जो है आपका यहाँ पे डैशबोर्ड पे है। उसके अलावा हम इसके अगर ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे जो इसके शेड्स हैं इसके अंदर आपको कोई वैनिटी मिरर्स वगैरह नहीं मिलते और सेम हाँ यहाँ दोनों में ही आपको वैनिटी मिरर्स ही मिलते हैं इसके अंदर। और बाकी ये इसकी एक सिंपल सी इसकी उन्होंने एक लाइट दी है इसके अंदर। और इसके हम डोर पैनल्स पे आते हैं तो ये भी सारे आपको इसके जो डोर पैनल्स हैं ये प्लास्टिक में मिलते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस एरिया में थोड़ा सा फैब्रिक मिलता है। और बाकी इसके जो ड्राइविंग साइड वाला डोर है इसके ऊपर आपको सारे इसके जो है कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर विंडोज़ हैं सिर्फ इसकी जो ड्राइविंग साइड वाली ये सिंगल क्लिक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको इसके जो साइड मिरर्स हैं इसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं इस टाइम ये अगर आप देखें तो इसकी कुशनिंग वगैरह काफ़ी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। बाकी जो इसके हेडरेस्ट हैं ये बिल्कुल इसके साथ अटैच एंड एडजस्टेबल नहीं है, इसके साथ अटैच्ड हेडरेस्ट आपको मिलते हैं लेकिन ओवरऑल कुशनिंग जो है वो काफ़ी इसकी डिसेंट है। अगर आप फ्रंट साइड से अगर आप ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट से देखें तो एक बड़ा अच्छा सफिशेंट आपको जो हेडरूम यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए अब इसकी बैक सीट पर चलते हैं। ओके इस गाड़ी के अगर हम बैक रो पे आते हैं तो अगर आप देख सकें मेरी जो इस टाइम अपनी जो हाइट है वो 5'10" मेरी हाइट है और अगर आप देखें तो मेरी जो ये नीज है इसके और इस फ्रंट सीट जो है इस टाइम फुल पीछे है तो एक सफिशिएंट यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। और हेडरूम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आपको मिल जाता है, सफिशिएंट है। और बाकी ओवरऑल जो अगर इस गाड़ी को हम देखें तो ये गाड़ी 4 लोगों के लिए जो है मेरे ख्याल से इनफ है, कम्फर्टेबल है क्योंकि अगर आप इसमें कोई 5वां बंदा अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कोई 8 साल का बच्चे या शायद बैक रो पे तीसरा बैठा सकते हैं लेकिन ओवरऑल ये 4 लोगों के लिए काफ़ी डिसेंट गाड़ी है। और बाकी इसके बैक डोर के ऊपर भी आप आ जाएँ तो ये भी सारे इसके पैनल हैं, ये सारे प्लास्टिक बिल्ट हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको 4 जो है स्पीकर्स मिल जाते हैं चारों दरवाज़ों के अंदर और यहाँ पे आपको एक अच्छी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये प्रॉपर बोतल पानी की इजीली रख सकते हैं लेकिन जो इसके फ्रंट के डोर्स हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलती। इसके साथ जो इसकी बैक सीट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई हेड रेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ लेकिन हल्की सी यहाँ पर कुशनिंग वगैरह है इसकी। अब इसकी अगर हम बोर्ड स्पेस पर आते हैं, अच्छा इसकी जो बोर्ड स्पेस है ये तकरीबन आपको 251 लीटर्स की आपको बोर्ड स्पेस इसकी मिलती है जिसके अंदर अगर आप देखें तो तकरीबन आपका कोई एक आधा आप कोई बड़ा सूटकेस साथ कोई 2 छोटे सूटकेस एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसमें मजीद सामान रखना चाहें तो उसके लिए आप इसके लिए बोर्ड है इसको आप निकाल सकते हैं, सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं और उसमें मैक्सिमम जितना सामान कैरी करना चाहिए कर सकते हैं।
वाली गाड़ी जो है इसके अंदर आपको 1000 cc के अंदर K10V सीरीज का इंजन मिलता है, जो कि सेम वही इंजन है जो आपको वैगन आर में मिलता है। बाकी इस गाड़ी के अगर हम फ्यूल एवरेज पे आएँ तो ये गाड़ी आपको जो है विद इन अ सिटी लाइक 15-16 तक आपको एवरेज दे सकती है। उसके अलावा अगर आप हाईवेज पे देखेंगे गाड़ी आपको 18-19 तक एवरेज दे सकती है। वैगन आर की निस्बतन जो है ये एवरेज इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि जो इस गाड़ी का वेट है वो वैगन आर से काफ़ी ज़्यादा जो है कम है, जिसकी वजह से भी जो है आपको इस गाड़ी जो है थोड़ी बेहतर उससे एवरेज दे देती है। इस गाड़ी की अगर हम कैबिन नॉइज़ के ऊपर आ जाएं तो इसके इसी कैटेगरी के अंदर हम देखें तो पिकांटो किया वो आपको मिलती है, लेकिन उसकी निस्बतन जो इसकी कैबिन नॉइज़ है थोड़ी सी ज़्यादा है पिकांटो की निस्बतन। और उसके अलावा अगर हम इस गाड़ी की जो रोड ग्रिप पे आते हैं तो रोड ग्रिप इस गाड़ी की काफ़ी जो है इसकी बेहतर है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम इस गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस पे भी हैं तो एक काफ़ी अच्छा आपको ये एसी परफॉर्मेंस देती है, स्पेशली जो अगर हम लाहौर के अंदर भी अगर हम गर्मियाँ देखते हैं जो गर्मियों में टेम्परेचर होता है उसके अंदर ही काफ़ी अच्छा इसका जो एसी परफॉर्मेंस है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है पावर स्टेयरिंग मिलता है और ABS के साथ ही गाड़ी आपको मिलती है, इसके अंदर कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की ऑप्शन नहीं है। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस पे आते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है इस गाड़ी की जो है काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप 4 लोग भी इस गाड़ी में बैठे हैं तो जितना मर्जी डेडली स्पीड पे करा जाए तो लेकिन ये गाड़ी आपको इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं करने वाली, इसलिए जो है किसी भी स्पीड पे कर दो क्रॉस कर सकती है। इसके साथ अगर हम इस गाड़ी की जो अगर सस्पेंशन पे आ जाते हैं क्योंकि गाड़ी का जो बॉडी साइज़ है थोड़ा छोटा है वेट थोड़ा कम है तो इसके जो आपके सस्पेंशन हैं वो अगर हम कोई इसको खड्डों वगैरह में लेके जाते हैं तो थोड़े से आपको बम्प्स जो है वो थोड़े ज़्यादा फील होंगे लाइक, लेकिन ओवरऑल इट्स अ कम्फर्टेबल कार और इतना ज़्यादा आपको ये गाड़ी थकाएगी नहीं। इसके साथ अगर हम इस गाड़ी की अब अगर प्राइस को देखें क्योंकि 2021 मॉडल है और अभी 2023 के अंदर जो है इस गाड़ी का जो अभी 3 वेरिएंट आते हैं VXR, VXL मैनुअल, VXL जो AGS में आता है, तो इस टाइम पे जो इसकी प्राइस गाड़ी की जा रही है तकरीबन आपको 4 मिलियन के जो प्राइस ब्रैकेट है उसके अंदर जो है ये आपको गाड़ी मिलती है, जो कि डेफिनेटली इस टाइम जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर प्राइस है और जो इकोनॉमिकली सिचुएशन बनी हुई है उस हवाले उसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के अंदर जो है वो एक इंक्रीज हुआ है डिफरेंट गाड़ियों की। और 4 मिलियन के बजट में अगर आप गाड़ी अगर आपका बजट है और अगर आप देख रहे हैं कि कोई इकोनॉमिकल गाड़ी आपको मिल जाए जिसकी जो मेंटेनेंस हो जाए या फ्यूल एवरेज वगैरह मुनासिब हो तो उसमें आप ये गाड़ी इसको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी फर्दर इसमें जो ये गाड़ी जो मैं इस टाइम ड्राइव कर रहा हूँ ये भी वैसे अगर आप किसी मजीद कोई डिटेल्स वगैरह देना चाह रहे हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगा तो आप इसकी कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी की भी डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप कि आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और मज़ीद आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन सजेशन लाजमी दीजिए कि आप आने वाली वीडियोज़ में कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना चाह रहे हैं, क्या कौन सी बाइक का देखना चाह रहे हैं। मैं इंशाल्लाह बाइक के रिव्यूज़ भी बहुत जल्द अपनी इस चैनल के ऊपर जो है आपके साथ शेयर करूँगा और इसके अलावा भी डिफरेंट कंटेंट जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँ। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।